पूछने जाओ तो जाति सूचक शब्द भी बोल के बाहर निकाल दिया जाता है। चूड़े भंगी वाल्मीकि हम ये बोलते हैं हमारे से। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई बताएंगे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। मेरे को छूटते बोलते हैं डोंट टच मी, दूर हट के बात करो अभी, बिल्कुल अभी देख लो अभी इन्हें बस अच्छा साथ के सामने से। जब आपकी समस्या आप अपनी समस्या ही नहीं बता रहे, इसका मतलब तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ही धरना प्रदर्शन की है। आप अपनी बातें तो रख के देखिए, बात क्या करो, जाति सूचक शब्द बोलते हैं हमारे को। इनके ESI के चालू ना होने के चक्कर में उन्होंने इलाज नहीं करा और उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारे को कोई भी ESI, कोई भी PF, कोई हमारे को मेडिकल सुविधा कोई नहीं। बीमार होते हैं उस दौरान भी काम करते हैं, एक दिन काम नहीं करते तो दो दिन के पैसे काटे जाते हैं। और आज आप देखिए कि कंपनी जिसका जो कंपनी का नाम इको ग्रीन है वो किस तरीके से कर्मचारियों का शोषण कर रही है और सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है। देखिए ये दारू पीकर ये सरकारी काम कर रहे हैं ऊपर बैठकर, और ये देखिए यहाँ पर ऑन ड्यूटी दारू पी जा रही है और यहाँ पर बॉटल फेंकी जाती है। और नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम में कार्यरत बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जो लगातार आपकी गलियों में आते हैं सुबह के समय और कूड़ा उठाते हैं, आज वो सभी प्रदर्शन पर हैं। देखिए ये जो जगह है यहाँ पर तमाम कूड़े की गाड़ियाँ लगी हैं, ये वही कूड़े की गाड़ियाँ हैं जो आपकी गलियों में आती है और आपके घर के बाहर से जो भी आपके घर का कचरा होता है उसको ले जाती है। इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर होता है और साथ में एक हेल्पर होता है, और आज वही ड्राइवर और वही हेल्पर तमाम यहाँ मौजूद हैं हमारे आसपास, और ये लोग एक धरना कर रहे हैं। आखिरकार इनकी क्या क्या मांगे हैं, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी सैलरी, इनका जो ESI है और PF है वो इनको नहीं मिल पा रहा है, और तमाम तरह के जो बातें हैं वो इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार आज इलाके में क्यों नहीं गए और सभी लोग पूरी दिल्ली के जितने भी कर्मचारी और ड्राइवर हैं वो सभी आज यहाँ पर क्यों हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम नीरज चंदेलिया है। मैम हमने एक आवाज़ उठाई थी हमारे हक के लिए, और हमारी आवाज़ को बंद करने के कारण हमें 1, 2, 3 और 4 आदमी को, हमें चारों को कल रिजाइन लेटर दे दिया इन्होंने कि आपको ड्यूटी से निकाला जाता है, 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देके, क्योंकि हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी, हमने अपना हक मांगा था। हमारे को ESI, PF और कोई भी बोनस या होली दिवाली की सभी की छुट्टी होती है, हमें हमारी कोई छुट्टी नहीं देते हैं ये। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है? हाँ जी मैम। इन्होंने हमारे को बोल के बुला के इन्होंने बोला कि भैया आपका रिजाइन पे साइन कर दो, हमने रिजाइन पे साइन नहीं करा, तो ये हमारे को धमकी देते हैं बदमाशों के तौर पे। कल क्या ऐसी बात हुई जो आपको रिजाइन देने के लिए बोला गया? 2 दिन पहले हमारा 20 SA हमारे हेल्पर भाई है, उनका देहांत हो गया, इनकी राजीव भाई गाड़ी से उतरते टाइम उनका पैर मुड़ गया और वो गिर गए, ठीक है, तो 2-3 दिन छुट्टी पे चले गए थे जाके, तो अपने घर पे वो जैसे बाथरूम से निकल रहे थे तो उनकी डेथ हो गई, निकल रहे थे तो हॉस्पिटल लेके गए उनको, तो वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पे के ESI उसका चालू ही नहीं है। अगर ESI चालू होता तो कहीं ना कहीं इनका काम शुरू हो जाता उसका ट्रीटमेंट का, तो इनके ESI के चालू ना होने के चक्कर में उन्होंने इलाज नहीं करा और उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्छा, ये कौन सी कंपनी है जिसके अंडर काम करते हैं? इको ग्रीन कंपनी है। हाँ जी मैम। अच्छा, पहले ये कंपनी देती थी क्या ESI? नहीं मैम, हर साल मतलब नई जवानी दिखाते हैं, कोरे कागज पे साइन करते हैं, हम प्राउड आदमी हैं इसलिए इनके दबाव में आके साइन कर देते हैं। अच्छा। उस पे ये बाद में क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, काला पीला। गाड़ी के मेंटेनेंस नहीं होते, कोई ड्राइवर मर जाए कुछ हो जाए उसमें गाड़ी को कोई शीशा नहीं होता, कोई उसमें सुविधा नहीं देते, बंदा सेफ्टी वाली कोई सुविधा नहीं होती, और अगर हम अपने से कराएं तो उसके पैसे भी काट लेते हैं। गाड़ी के जो कागज, गाड़ी में कोई भी गाड़ी के जो कागज है, इंश्योरेंस पोल्यूशन वो कुछ नहीं है, और पोल्यूशन बोला जाता है कि हेल्पर या ड्राइवर अपने पल्ले से खुद कराए, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसके पैसे काट ले जाते हैं, अगर इंजन वगैरह में कुछ दिक्कत आती है तो उसकी सैलरी से काटे जाते हैं। आप ये बताइए मैडम, 15,000 की सैलरी में से अगर 2,000-3,000 ये काट लेंगे हर महीने तो बच्चे कैसे पालेंगे? कंपनी के एम्प्लॉई है ना, ये धमकी देते हैं, आपको रिकॉर्डिंग करा देता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि कंपनी ने किसी दबाव में पैसे बढ़ाए हैं या कोई भी, तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे मर्डर केस, बहुत सारा पैटर्न चल रहा है, और अरबों खरबों की कंपनी है, उससे 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000 से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मर्डर केस गाड़ी के नीचे दब गए हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, वो इसीलिए साहब की
तुम लोगों का एक जो ब्रेन वॉश किया गया है उससे बिल्कुल आप दूर रहें, अपने काम से काम रखें। अगर आप किसी भी ग्रुप में हैं तो उससे लेफ्ट हो जाएं और किसी भी ग्रुप को कहीं भी कोई भी फंडिंग ना करें। अगर वो 700-800 आदमियों से 2500-2500 रुपये भी इकट्ठा करेंगे तो उनका तो 25-30 लाख रुपए अमाउंट बन जाएगा, वो आराम से मौज करेंगे, उसमें आपका कोई हित नहीं होगा, आपका जो भी हित होगा वो डीपो से होगा। ठीक है, जो हमारा चौथा भाई है जिनको निकाल दिया गया था, ये राजकुमार जी हैं। अच्छा, आपको भी निकाल दिया गया? या मैम, मेरे को भी निकाला गया है, बस हमारी थोड़ी सी गलती होगी, हमने इन सभी भाइयों के लिए जो हक की लड़ाई करी है आज आप उस चीज के लिए हम बुरे हो गए। जो हेल्पर की 10 मिनट पहले बात बताई थी ना, ये है वो बच्चे, कोई केयर नहीं हो रही ना, ये इलाज कभी उसको बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, एसआई में तड़प रहा हूँ। इनका ही इलाज मैं बताना चाहूँगा। अच्छा। ये एसटीवी गाड़ी के ड्राइवर हैं। अच्छा। इनका साथी एक हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ। ये उनके पत्नी है, ये उनकी बेटी है। हाँ। ना तो ESI फैसिलिटीज मिल रही है उनको। हाँ। ना कोई कंपनी की तरफ से केयर है। मतलब आप सब किसी के भी अभी ऐसा कोई है जिसका ESI PF आ रहा हो? किसी का नहीं, किसी का नहीं आ रहा मैडम, किसी का नहीं आ रहा। तो एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी कि इतने सारे लोग हैं और सिर्फ ये एक इलाके के नहीं है, ये पूरी दिल्ली के हैं और इसमें से आधे ड्राइवर हैं, आधे हेल्पर हैं, और एक के साथ नहीं हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा है कि इनको नौकरी पे रखा जब गया तब शायद इनको कहा गया कि ESI PF मिलेगा, लेकिन बीते 5 साल हो चुके हैं, लगातार ये अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए भी बात करते हैं, इनकी सैलरी तक नहीं बढ़ाई जाती, फिर ये बोलते हैं कि PF ESI दिया जाएगा। जब काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जाता है तब जाकर कहीं एक दो लोगों को दे भी दिया गया है, लेकिन बाकी जितने आप देख रहे हैं मेरे पीछे सभी लोग इस वक्त परेशान है। ये इसके बेबी बच्चे ये 3-4 महीने हो गए, इसको सैलरी 1 रुपया नहीं आया, SI की सुविधा खत्म कर रखी है इसकी। यहाँ पर ये हॉस्पिटल में एडमिट है और इलाज भी चल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि अभी जिस तरीके से अपना इलाज करा रहे हैं, अगर ESI इनको दे दिया जाता तो शायद इनका इलाज बेहतर तरीके से हो पाता, लेकिन अभी ये जितने लोग देख रहे हैं इसमें से इन्हीं लोगों का कहना है कि इससे पहले भी एक व्यक्ति की इसी वजह से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसका ESI जो है वो चालू नहीं किया गया और उसका अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया। और ये लोग आपके इलाके की सफाई करने का काम करते हैं, इन्हीं की वजह से आपके घर का कूड़ा उठता है, लेकिन आज जो है किस तरीके की हालत देश की राजधानी दिल्ली में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की हो गई है। तो आपस में सर बात कहाँ हो पा रही है? अगर बात हो पाती तो आज ये बुलाया हुआ है। हाँ, एक छोटे से सवाल, एक सवाल मैं बस आपसे पूछूंगी कि इतने लोग आज आपके सामने आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मुझे इतना सा बता, कंपनी के खिलाफ कर रहे हैं, और जैसे ये सर हैं, इन ये जितने भी लोग हैं इनसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द हैं जो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, ये क्या बता रहे हैं? ये गलत बात है, ये सब गलत बात है, कोई नहीं बोलता है ऐसा। मैं आप एक सर, इंसानियत के तौर पर आप सोचिए, ऐसा कभी बोलना चाहिए? आप मेरी बात सुनोगे? आपकी बात ही सुन रही हूं। नहीं, वैसे ही बताइए सर। भीड़ में 100 बातें होती है, कोई नहीं बोलेगा, समझ गए ना? जो भीड़ में 100 बातें होती है, इसका मतलब कोई नहीं कहता कोई भी बात, झूठ कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, नहीं आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यही सर थे ना आपसे जो अभी ऐसे कह रहे थे डोंट टच? यही कह रहे थे, 2 टचबीन के मेरे हल्की सी ऐसे हाथ उंगली लग गई थी। अगर मैं आपको ऐसे टच करके बात करूंगा तो कैसे? आप तो करो, यहाँ उंगली लगी है मैडम, यहाँ उंगली लगी है, दूर से बात करो, टच करके बात मत करो सर। लेकिन एक बात सर, आज आपने इनको निकाल दिया कंपनी से, रिजाइन दिया या नहीं दिया, लेकिन आपने एक फॉर्मली तौर पर बोल दिया है कि आपको आने की जरूरत नहीं, ये 4 जो लोग हैं, अब जब ये लोग धरना कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, तब जाके नहीं 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 मैडम, ये आपको लग रहा है ना, ये आपको लग रहा है कि हमने इनके करने पे कर दिया, इतने सारे खड़े हैं, ये सब हम ही लोगों के रखे हुए लोग हैं, इनको नौकरी पे हम ही लोग रखे हैं, इतने दिन से हम ही रखे हुए हैं, हम ही कंपनी ही सैलरी देती है, हमारे इनकी समस्या हम ही सुनते हैं। PF ESI के बारे में क्या कहेंगे? सारा कंपनी एज पर रूल सब कुछ दे रही है, दे रही है, बिल्कुल 5 साल से जिसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो अपने कोर्ट में जाके बात करे, ठीक है ना? क्या कारण है, क्या कारण है जो कोर्ट में जाना पड़ेगा, आप नहीं दे रहे? ये लोग पहले ही चले गए कोर्ट में बिना पूछे, पहले जा चुके हैं ये लोग, तो ये जा चुके हैं, नोटिस भेजे हैं कंपनी को, आप इनसे पूछो ना, एक गोली मारने की धमकी हमारे को दी जाएगी, बेबुनियाद झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल आप एक बात बता, कोई गोली में गोली मारने कोई नहीं कर रहा, बच्चों के सर पे अरे कसम खा लेना आनंद, अगर ये बच्चों पे अपने हाथ रख के दोनों कसम ऐसे खा ले तो मैं अभी चला जाऊंगा, है ना? अगर ये सच बोल रहे तो इन्होंने 5 साल से इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर रखा, बहुत बुरी तरह से इन्होंने हर चीज की, वो पानी पीने की दिक्कत है यहाँ पर, आपको दिखलाता हूँ, कहीं आपको प्याऊ दिख रहा हूँ, पानी तलक पीने के नौबत है यहाँ पर,
पानी नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है। मैडम चल के देखो एक बार, अभी दिखाता हूं, बता रहे हैं। एक बार आपकी सुनिए, एक बार इनकी भी सुन ले। आप टॉयलेट में जाओगे, हाँ। दारू पी के बोतल डाल दोगे, हाँ। हमने दारू पी के यही लोग डालते हैं ये नहीं, ये तो सब सुबह आते हैं, गाड़ी निकाले अपना चले गए, कोई भी स्टाफ ही है, ठीक है। तो गटर में जब जाएगा बोतल तो क्या होगा, जाम ही होगा, ठीक है, जाम हो गया, हो गया। लेकिन कौन है वो जो डालता है, वो जानना है कौन। ये तो हमने भी नहीं देखा। आप मुझे इतना सा जवाब दीजिए, चारों को निकालने का कारण क्या था, क्यों निकाला आपने चारों? कंपनी के खिलाफ एक्टिविटी करोगे? क्या एक्टिविटी? कोई भी आप बताइए ना, आपको तो पता, आप इनसे पूछिए ज्यादा, इससे बता दिया सर, आप बताइए, आपको पता हो गया ना, मुझे पता, तो वही चीज बता दीजिए सर। आप अगर कोई मुद्दा उठाएगा, कोई मांग रखेगा तो आप निकाल देंगे, उसका अधिकार नहीं है आपसे बात करने का। नहीं, बात करने का है, हमने बुलाया, इनको लेटर में लिख के दिया हुआ है कि इनको क्यों निकाला गया है, इनके घर पे वो लेटर पहुंच गया है, वहाँ जाके पढ़ ले, नहीं पहुंच गया, पढ़ ले। हमने अपनी अपना हक मांग रहे हैं ना, मैनेजमेंट के लोगों को मारने की नहीं कही, गाली नहीं दी, दी है। सारे सुपरवाइजरों ने कंप्लेंट की है रजौरी थाने में कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है। अभी देखिए, इनसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो मैनेजमेंट टीम है जो इको ग्रीन की, वो सभी टीम मिलकर जो चार वर्कर है जिनको रिजाइन लेटर दिया गया है, जिनको कंपनी से निकालने की बात कही गई है, उन चारों से बात की जाएगी। और जो पीएफ और ईएसआई को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, जितने सारे यहाँ पर आप मेरे आगे पीछे कर्मचारी देख रहे हैं, सबकी जो मांगे हैं उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके से कंपनी चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि जिन कंपनीज को सरकारी टेंडर दिया जाता है उसके बाद वो किस तरीके से कर्मचारियों के साथ लगातार बर्ताव करती हैं और इनको इनका शोषण करती हैं। और आज देखिए कि एक शोषण से इस हद तक ये लोग परेशान हो गए कि आखिर में इनको धरना करना ही पड़ा। देखिए, मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ, अभी तक हम लोग बाहर थे, अभी ये देखिए ये पूरा ऑफिस बनाया गया है अंदर, और इन वर्कर्स का कहना है कि पानी के लिए इनको ये दिया गया है, यहाँ पर पीने का पानी आता है, ये छोटी सी सफाई भी नहीं है, देख लो सफाई कितनी है, अंदर आप देखिए कितनी ज्यादा गंदी है, गंदगी है, पीने का भी नहीं है, हाथ धोने का पानी कैसा है, ये खाने का नहीं है, उसी को पीते मैडम क्या करे गर्मी में, मेरे को 6 साल हो गए, मैंने आज तक इसमें से पानी नहीं पिया कभी भी, ये पूरा गंदा पानी है। और मैडम जब सब अपने अपने घर से लेते हैं पानी, ये ऊपर जाता ना कोई तो जाने नहीं देते इनको पानी, ऊपर पानी है, ऊपर इनका पानी होगा इन्हीं के पास, हमारे पास यहाँ पानी लेवल जीने से ऊपर कोई नहीं जाते, मजबूरी पे मैंने यहाँ पे लड़कों को पानी पीता हुआ देखा है, हाथ धोने के लिए ताला लगा दिया, अभी लगाया मैम जी ताला, लगा रखा क्योंकि इसको दिखाने की हालत में नहीं है अभी ये। देखिए, ये दारू पीकर ये सरकारी काम कर रहे हैं ऊपर बैठकर, और ये देखिए यहाँ पर ऑन ड्यूटी दारू पी जा रही है और यहाँ पर बोतल फेंकी जाती है, और ये पीछे देखिए ये यहाँ पर सभी तमाम के जितनी भी कूड़े की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी होती है, और ये इसका पूरा ऑफिस है, और ऑफिस का नज़ारा आप देख सकते हैं कि दारू पीकर बोतल जो है यहाँ पर बोतल फेंक दी जाती है, और यहाँ पर भी देखिए दारू की बोतल है, ये साफ क्यों नहीं कराई, ये देखिए अंदर का नज़ारा, ये है सरकारी काम करने वाला ऑफिस जहाँ पर सरकारी काम होता है, जहाँ पर कूड़े की गाड़ियाँ खड़ी होती है, और पीछे का नज़ारा देखिए, ये डब्बे पड़े हैं यहाँ पर कूड़े के इतने सारे, और वहाँ देखिए इतना ज़्यादा दिल्ली की जनता का पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो देखिए पीछे नज़ारा। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दिल्ली सरकार तक भी ये बात पहुँचे और केंद्र सरकार तक भी बात पहुँचे कि एक कंपनी जिसको ये टेंडर दिया गया है इको ग्रीन नाम से, और लगातार जो ये कर्मचारी हैं और जो हेल्पर्स हैं जो इलाके में सफाई का काम करते हैं, और आज वो किस तरीके से परेशान नज़र आ रहे हैं, ना तो उनको ईएसआई मिल पा रहा है, ना तो उनका पीएफ कट रहा है, और जब ये बीमार हो जाते हैं तो इनका पैसा भी काटा जाता है, एक दिन की जगह डबल डबल सैलरी काटी जा रही है, और गाड़ी में किसी तरीके का कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका पैसा भी इनकी ही जेब से जाता है। तो देश की राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात हैं कि अब सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि इन सबकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।